दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेले जाने वाले आईपीएल 2023 के 11वें मुकाबले के लिए दोनों ही टीमों की खतरनाक प्लेइंग 11 हुई घोषित। तो दोस्तों, कौन कौन से खिलाड़ियों की हुई है प्लेइंग 11 में वापसी, बताएंगे आपको इस वीडियो में। साथ ही बताएंगे राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच ये महामुकाबला कब, कहां, कितने बजे से शुरू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप सभी को क्या लगता है संजू सैमसन और पृथ्वी शॉ में सबसे बेहतरीन बल्लेबाज कौन सा है, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर से दीजिए। दोस्तों, आईपीएल 2023 का 11वां मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शनिवार 8 अप्रैल को गुवाहाटी के मैदान पर खेला जाएगा और यह मुकाबला दोपहर 3:30 पर शुरू होगा, जबकि दोस्तों आप इस मुकाबले का टॉस 3 बजे देख सकते हैं। तो दोस्तों, बात करें दोनों टीमों के आईपीएल रिकॉर्ड्स के बारे में, तो दोस्तों अब तक दोनों टीमों के बीच कुल 26 मुकाबले खेले गए, जिसमें राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 13 बार, वहीं दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने भी 13 मुकाबलों में जीत दर्ज की है। ऐसे में दोस्तों, दोनों टीमें इस मुकाबले को जीतना चाहेगी। तो दोस्तों, चलिए अब आपको बताते हैं क्या होगी दोनों टीमों की प्लेइंग 11। तो दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 की बात करें तो ओपनिंग की जिम्मेदारी एक बार फिर से जोस बटलर और यशस्वी जायसवाल के कंधों पर होगी और इन दोनों ही बल्लेबाजों ने कई बार राजस्थान रॉयल्स को ताबड़तोड़ शुरुआत भी दिलाई है। तो दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स की ओर से नंबर 3 पर संजू सैमसन बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरेंगे और यह बल्लेबाज अति ताबड़तोड़ शुरुआत करने के लिए जाना जाता है। नंबर 4 पर ध्रुव जुरेल, जिन्होंने पिछले मैच में अच्छी पारी खेली थी। नंबर 5 पर सिमरन हेटमायर। नंबर 6 पर रियान पराग। नंबर 7 की बात की जाए तो ऑलराउंडर जेसन होल्डर। वहीं गेंदबाजी में रविचंद्रन अश्विन, ट्रेंट बोल्ट, युजवेंद्र चहल और इसके अलावा संदीप शर्मा रॉयल्स की प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 के बारे में। तो दोस्तों, इस टीम की ओपनिंग बल्लेबाजों की जिम्मेदारी कप्तान डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ के कंधों पर होगी और ये दोनों ही बल्लेबाज शुरुआती ओवरों में काफ़ी खतरनाक होते हैं। नंबर 3 पर विस्फोटक बल्लेबाज रेली रूसो, जबकि नंबर 4 पर सरफराज खान। नंबर 5 पर रोमन पावल। नंबर 6 पर अभिषेक कोरल। नंबर 7 पर अक्षर पटेल। नंबर 8 पर ललित यादव। नंबर 9 पर कुलदीप यादव। नंबर 10 की बात की जाए तो एंड्रिक नोटजे और वहीं नंबर 11 पर मुकेश कुमार प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। तो दोस्तों, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं इन दोनों टीमों में से कौन सी टीम इस मुकाबले को अपने नाम करेगी। धन्यवाद।